सारा ही अपने फ्रीजर में दे नहीं, नहीं। हाँ ऐसे ना करो शेखा दी रेपुटेशन मैं फ्रेंच है यार वो एक बकरा सीना से वो जन्नत के दरवाजे तक खलोता है ऐसे ते वो पूछिया लोगों ने क्यों नहीं अली तक तू अंदर क्यों नहीं गया ते कहना वो मेरी एक एक्चुअली लात जड़ी है ना शेख साहब ने फ्रीजर च पई वो पेजन के बाज दफा ऐसा होता है कि घर वाले सोचते हैं और वो ये कहते हैं कि उसका एक हिस्सा कुछ अपने पास रखना चाहिए हाँ। मगर मैं उसके भी हक में नहीं होता कि एक हिस्सा भी अच्छा, हम क्यों रखे हम खाते रहते हैं यार हाँ। ऐसा कोई बात नहीं हाँ, है हाँ। तो कुर्बानी का मकसद भी यही है कि उन लोगों तक गोश्त पहुंचना चाहिए जो तो बेचारे अफोर्ड नहीं करते बस एक्चुअली हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिकॉज यूजुअली दिस इज व्हाट वी ऑल डू इन फैक्ट यस। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ये नहीं हो सकता कि इंसान इतना परफेक्ट हो जाए कि उससे लोग खफा भी ना हो तो जिससे थोड़ी सी नाराजगी हुई होती है डू यू डू एन एफर्ट कि किसी तरह ईद से पहले उससे दोबारा मिलाप हो जाए या एक हैंडशेक ही हो जाए। देखो इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम यस कि आप किसको माफ कर सकते हैं और किसको नहीं। मैंने तो जिंदगी में बहुत लोगों को माफ किया बा खुदा मैं आपको बता नहीं सकता नुमान लोगों ने पीठ में चुरे घोंपे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही है हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है नाकाबले माफी हाँ। एक नाकाबले माफी है मगर मैं बदला नहीं लेता। वाह वाह इतना बड़ा दिल है आप में से किसी का? अरे नहीं इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इनका तारुफ कराऊं ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हाय सो इतना बड़ा दिल वो मैं अक्सर कहता होता हूं सर के सिर्फ एक बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है। वाह 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 ये है पहचान। वाह वाह फातिमा हमारी सोशल मीडिया देखती हैं और फातिमा जी आप कुछ पूछना चाह रही थी। जावेद साहब आपकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं और जितनी अभी मैंने रिसर्च की है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी आपकी and a very lovable personality. Very lovable personality. और आपने टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने आपका दिल मोह लिया हो दिल को बहुत अच्छी लगी हो? ऑफ कोर्स ये तो अच्छी है कोई एक देखो चक्कर ये है सबकी बातें होती हैं लाइफ में ऐसी। अब मेरा जो है मेरी दो शादियां ठीक है जिसमें से पहली वाइफ से मेरे दो बच्चे हैं जी जी माशाल्लाह मोहम्मद और ये जी और जी मेरी सलमा आगा से थी और वो दोनों मेरी खत्म हो गई। बीच में मेरे अफेयर थे ठीक है वो सबके होते हैं वो भी दुनिया को पता है हाँ। खुली किताब हो कोई यानी कि ये नहीं कहता अच्छा वो जो हाँ, ऐसा था exactly. तो वो आप बताएं तो वो क्या था नहीं है ऐसा नहीं भाई वाह वाह। देखिए जब मेरी सलमा आगा से डिवोर्स हुई आई वॉज शैटर्ड रियली। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक मायानवाज अदाकारा जिसका नाम नीली था नीली और मैंने उसके साथ इसके बाद जब पहली फिल्म की तो उसने मुझे सहारा दिया। आपको भी सहारे की जरूरत थी? यस ओके यही कह रहा हूँ कि जब उसने देखा कि 10-15 दिन हो गए ये बंदा शॉर्ट देता है उधर जाके कोने में बैठ जाता है क्या चक्कर है तो उसने एक मेकअप वाला था उसका जहूर उसका नाम था जी जी बिल्कुल मैं जानता हूं जहूर आप जानते जी जानते तो जहूर को भेजा मेरे पास नीली ने कि जाके पूछ कहो यार ये अपना हाथ क्या हाल कर लिया है तो कम से कम इधर हमारे साथ आके बैठे हमारे साथ शूटिंग के बाद चाय पीने चलते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं कुछ ऐसे बट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो दे स्टार्टेड टेकिंग मी आउट यू नो ओके एंड आई थिंक ये आपकी जिंदगी का वो वाहिद फेज था जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी देखा और गए भी डिप्रेशन में एंड यू वर कंप्लीटली बट दूसरा ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को खुद अप्रोच नहीं किया। ओह वाह 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 कोई कबूतर था सर आप हैं कबूतर एक छोटी सी बात है शेख साहब एक गेस्ट हमारे इस शो पे आई थी तो अपना वो कैरियर का बता रही थी तो उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड ना तो उन्होंने आपके साथ एक ड्रामा किया था उन्होंने मुझे बताया एक ड्रामा किया हाँ जी अच्छा फिर तो उन्होंने अच्छा अच्छा एक ड्रामा किया था शीज शेयर्ड के वो इतने हम्बल हैं जावेद साहब के उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा स्टार्ट था और स्क्रीन पे वो एक्ट कर नहीं पा रही थी तो शी टेक्स उस टाइम पे 40 टेक्स उन्होंने लिए और जावेद साहब जाके बैठ गए आराम से उन्होंने कहा जब ये
रेडी हो जाएंगी तो फिर मुझे बुला लीजिएगा। सवाल ही सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काम ही छोड़ दूंगा अगर ये सच हो तो। सर हुआ क्या था, कुछ भी नहीं हुआ, फिर रेडी नहीं, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है और क्या। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ यार, मैं कहूँ एक किसी से काम नहीं हो रहा, मेरा जूनियर है, एज ए सीनियर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा। हाँ सही बात सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई जूनियर भूलता है इस तरह, हम उसको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको लेट डाउन नहीं कर सकते। चाहे हाँ नोमान, मुझे तो वो लोग बुरे लगते हैं जब सेट पे जब किसी को डायलॉग फंबल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे नोमान ने कुछ बोला फंबल हो गया, मिसाल के तौर या मैंने बोला फंबल हो गया, आप दो नजर पड़ती है तो लानत है ऐसे लोगों पर, बेशुमार है। यू सी, तो ये कभी हमने तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हम अपने जूनियर के साथ करें। शेख साहब के साथ खूबसूरत और प्यारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, इनकी यादों के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां शेख साहब के लिए जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में, आप सब लोगों को देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया हफ्ता 10 दिन पहले वो आया कि अगर पाकिस्तान के दिलीप कुमार साहब से, अल्लाह बख्शे दिलीप कुमार साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनसे तशबीह दी गई आपको कि पाकिस्तान में अगर कोई दिलीप कुमार के लेवल का आर्टिस्ट है तो वो जावेद शेख साहब है। Have you read that? Wow. 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 नहीं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया बात है सर, बड़ी चीज आई है और बड़ी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए बात है। कभी दिलीप साहब से सर आपका, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आना जाना रहा है एंड यू हैव वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कभी दिलीप साहब से मुलाकात हुई सर? सर 3 मुलाकात। अरे अल्लाह अकबर, अब आपको मैं तीनों वाक्य सुनाता हूँ। आई वुड लव के इफ यू शेयर विद अस। 1981 ठीक है सर, उस वक्त मैंने एक फिल्म की थी दीप्ति नवल के साथ, उसका नाम था दूसरा किनारा, डायरेक्टेड बाय गज़नफर अली। मैं जी दीप्ति नवल, बिल्कुल शफी मोहम्मद जी बैरो सब्जवारी जी दीप्ति नवल साहब, फिल्म वाज शॉट इन शारजा। तो वो उसका एक प्रमोशन के लिए बॉम्बे जाना पड़ा, तो वहां दीप्ति ने कहा कि भाई एक फंक्शन हो रहा है, शक्ति सामंत है उनके हवाले से, तो वो आप चले मेरे साथ। तो मैं उनके साथ सन एंड सैंड होटल में गया, तो एक तस्वीर आज मेरे फोन पे भी है, इधर भी है। तो वो तस्वीर में दिलीप कुमार साहब, साथ में सायरा बानो, साथ में दीप्ति नवल, साथ में शक्ति सामंत और दिलीप साहब।